नमो अर्हन्तारम् नमो सेत्थानम् नमो आयरियाणम् नमो उवज्जायाणम् नमो लोये सर्वसामूलम् ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपनासनो मंगलानं च सर्वेसिं पढ़मं हवई मंगलम् पढ़मं हवई मंगलम् सुंदर सृष्टि धन्यवाद नित नए रंग से इथलाए इस शरीर का कण कण मेरा जग शांति में काम आए जग शांति में काम आए सुख समृद्धि हो सुख समृद्धि हो हंसता आनन हो हंसता आनन हो। कितने चेतन भावों ने इस सृष्टि को श्रृंगार दिया कब कब किस किस की मेहनत ने सुविधा को साकार किया धन्यवाद सारे सहयोगी हर पल सुलझा हट पाए इस शरीर का कण कण मेरा जग शांति में काम आए जग शांति में काम आए सुंदर सृष्टि हो दुख समृद्धि हो सुंदर सृष्टि हो सुख समृद्धि हो। चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदन। चतुर्विध तीर्थ को प्रणाम। समस्त भव्य आत्माओं की भव्यता को नमन। बोधि प्रदाता सद्गुरुदेव पूज्य श्री विराट गुरु जी और सतत सत्संग से सिंचन करने वाले स्वामी विकास जी के चरणों में वंदन। तत्वार्थाधिगम सूत्र के रचयिता वाचक उमा स्वाति जी को प्रणाम और आप सभी स्वाध्यायी जिज्ञासु जनों की जिज्ञासाओं का अभिवादन। जय हो। कल संवत्सरी महापर्व की लोगों ने साधना की दुनिया भर में जहां जहां जैन समुदाय के लोग और जैनों से निकट से जुड़े हुए लोग सबने क्षमा पर्व को जिया। हम भी आप सब से क्षमा मांगते हैं समझ कामना करते हैं और क्षमा मांगने से ज्यादा बड़ी बात होती है क्षमावान होना वो हो जाए वो बड़ी बात है। मांगना तो बहुत आसान है लेकिन क्षमावान होना जैसे धनवान होना गुणवान होना
ऐसे क्षमावान होना वो बड़ी बात है। क्षमावान होने का अगर हम एकदम इन शॉर्ट मीनिंग समझे तो वो है स्वीकार भाव में जीना जो भी हो, और ये बहुत आसान बात नहीं है। सुनने में एकदम आसान सी लगती है लेकिन जरा सा हमारे मन माफिक नहीं होता है तो हम सब एकदम बेचैन हो जाते हैं, चाहे वो खाने में हो, चाहे वो वातावरण में हो, चाहे वो किसी भी निमित्त संयोग में हो, जरा सा भी हमारे मन के अनुकूल नहीं होता है तो हम में से हर एक व्यक्ति के भीतर कितनी तरह की लहरें उठ जाती है। क्षमावान होना वो बड़ी घटना है, और जिसके हृदय में इतनी उदारता हो, इतना प्रेम हो, और जिसको इस अस्तित्व की प्रति गहरी समझ हो जाए, वो एकदम क्षमावान हो जाता है। उसके लिए आसान है क्योंकि उसको समझ आता है कि यहाँ पे सब भिन्न भिन्न है, सबकी प्रकृति जुदा जुदा है ना, आग और पानी अलग अलग एकदम स्वभाव है, कहाँ मैच करते हैं। हाँ, लेकिन सब के होने से ही पूरा अस्तित्व टिका हुआ है। सारी विपरीत स्थितियां एक दूसरे के लिए सहयोगी है, गहराई में सब एक दूसरे के लिए सहयोगी है, एक दूसरे की मौजूदगी के लिए आवश्यक है। तो जो ये बात समझ पाता है और जीता है वो क्षमावान हो जाता है। फिर उसके लिए खामे में सर्वे जीवा खमंतु में मिट्टी में सर्व भूवेषु वैरम मज्जम में कहने, सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है मिट्टी में सर्व भूवेषु, इस सृष्टि का भूत मात्र से कोई वैर ही नहीं, वैरम मज्जम में कहने, जरा सा भी कोई से वैर नहीं। वैर नहीं होने का मतलब क्या है कि हमने किसी का भी चुनाव नहीं किया। हम वैर कार्ड समझते हैं कि हमने दुश्मनी नहीं रखी, जबकि ये बड़े मजेदार शब्द प्राकृत भाषा में जो ये शब्द पैदा हुए, प्राकृत अर्धमागधी, ये जिन्होंने ये शब्द जिनके भीतर से रचनाएं निकली है वो बड़े अद्भुत अर्थ रहे हैं उनके। वो एक एक अक्षर और एक एक ध्वनि कैसे कहाँ से निकलती है और एक एक अक्षर के पीछे क्या प्रयोजन है, वो बड़े मजेदार उनके समझ और अर्थ रहे। तो जब उन्होंने वैर शब्द बोला तो वैर का अर्थ खाली दुश्मनी नहीं था, जैसे आज हमने दुश्मनी समझ लिया, वहां वैर शब्द का अर्थ था चुनाव ही नहीं करना, वरण ही नहीं करना, क्योंकि जैसे एक को चुन लिया तो दूसरा आ जाएगा, दोस्त को चुना तो दुश्मन आ जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके कोई दोस्त हो तो फिर दुश्मन ना हो, अगर दोस्त है तो फिर दुश्मन भी आएगा, अगर एक पक्ष आया है तो उसका प्रतिपक्ष भी आएगा। आपने कहा मुझे ये अच्छा लगता है, इसका मतलब है कि कोई चीज है जो अच्छी नहीं लगती, उसका विपरीत है जो अच्छा नहीं लगता। तो जिनके भीतर इतनी गहरी समझ थी जीवन के प्रति, उन्होंने कहा चॉइस ही नहीं करना, चुनाव ही नहीं, वैर ही नहीं करना, वरण ही नहीं करना। हमने इस गाथा का अर्थ कर लिया मिट्टी में सर्व भूवेषु की सबसे मैत्री है और वैर किसी से नहीं है। साधारणतया हम सभी लोग ऐसा ही अर्थ समझते हैं कि मैत्री है और वैर नहीं है, लेकिन ये था मिट्टी में सर्व भूवेषु, मिट्टी का अर्थ यहाँ पे सृष्टि था, इस सृष्टि में, इस पूरे जगत में सर्व भूवेषु सभी भूत से। अब यहाँ भूत का अर्थ प्राणी मात्र भी है और भूत का अर्थ पास्ट भी है, क्योंकि हम सब पास्ट से प्रभावित होके चल रहे हैं ना, हमारी दोस्ती दुश्मनी भी पास्ट से प्रभावित होकर के चल रही है, हमारे भीतर की आदतें सब पास्ट का ही तो प्रभाव है। तो कह रहे भूत से ही कोई वैर नहीं है, यानी मैंने कोई चुनाव ही नहीं किया है अपने अतीत का भी। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत गहराई में जाए तो इसका मतलब ये होता है कि अतीत से अप्रभावित जीना। अभी बिल्कुल भी आसान बात नहीं है, लेकिन जो समझ जाए उनके लिए एकदम आसान बात है। वो जो क्षण क्षण जी रहा है उसके लिए एकदम आसान बात है कि अतीत से अप्रभावित हो गया। वो क्षण क्षण कौन जी रहा है, जो मन की गिरफ्त में नहीं जी रहा। अब जो मन की गिरफ्त में नहीं जी रहा है उसी को क्षमा समझ में आएगी, क्योंकि मन चाहता है कि वो क्षमावान नहीं हो सकता। मन में सारी बीमारियां हैं, अधैर्य भी है, बेचैनियां भी है, चुनाव भी है, रति अरति है। मन मतलब रति अरति, एक से लगाव एक से दुराव। तो ये गाथा
के शब्दों में बड़ा मजेदार है, इनके बड़े गहराई अर्थ लिए होते हैं और एक शब्द के अनेक अर्थ भी होते हैं। संस्कृत प्राकृत एक-एक शब्द के अनेक अनेक अर्थ हैं। तो ये कह रही है सृष्टि के भूत से ही, यानी मेरे भीतर जितना भी अतीत है उनमें से मैं किसी का भी चुनाव नहीं कर रहा, क्योंकि जो कुछ भी मेरे सामने आ रहा है, मेरे मन के माध्यम से जो कुछ भी प्रकट हो रहा है, उसमें मेरे अतीत की छाया है, पास्ट का ही प्रोजेक्शन है। और अगर मैंने इसमें कोई भी चुनाव किया तो मैंने वापस पास्ट के साथ अपना कनेक्शन बनाया, और तब तो मैं एक चक्र में भी बना रहूंगा। तो कैसे इस विशेष सर्कल से बाहर आना, और ये विशेष सर्कल के बाहर नहीं है, हमारे सबके अंदर ही चल रहा है, और जो हमारे अंदर चल रहा है उसी को संसार का है। बाहर का कोई संसार ना बांधता है ना मुक्त करता है, वो तो जो है सो है, ये सब हमारे भीतर ही चल रहा है। और ये ऐसा चल रहा है कि कोई सामने निमित्त है तो भी चल रहा है, नहीं है तो भी चल रहा है, हमारे दिमाग में सारी घटनाएं घट रही है, और वो दिमाग का इम्पैक्ट शरीर पे भी आता है, और फिर शरीर का इम्पैक्ट बाहर की सारी स्थितियों में भी प्रकट होता है। तो कैसे जहां जड़ है वहीं पर हमारी स्थिति ठीक हो जाए। तो इतनी अद्भुत बात इस गाथा में कही, मिट्टी में सब हुए सो वैरम मज्जन में कह, मैं अतीत से अप्रभावित सर्वभूतों से, सभी प्राणियों से भी अर्थ है, और सर्वभूत यानी अपने पूरे पास्ट से, मैं किसी का वरण नहीं करता, वैर ही नहीं करता, चुनाव ही नहीं करता। तो यहाँ ये अर्थ नहीं था कि मेरी सबसे दोस्ती या दुश्मनी नहीं है, क्योंकि विराट गुरु जी क्या करते थे कि घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि दोस्ती सबसे हो, पर ये पॉसिबल है कि हम चॉइसलेस हो जाएं, हम टोटल एक्सेप्टेंस में जीने लगे, ये पॉसिबल है। जो टोटल एक्सेप्टेंस में जीना है क्षमावान होना, और क्षमा क्षमा क्षेम क्षमा, तो क्षमा मांगना क्षमा देना, हम बातें तो करते हैं लेकिन जिसके पास है ही नहीं वो देगा क्या, हम वही तो दे सकते जो हमारे पास हो, लेकिन हमारे खुद के भीतर ही क्षमा नहीं है, क्षमावान हम हुए ही नहीं, तो हम कैसे दे सकते हैं, और दूसरे वाले से मांग रहे लेकिन उसके पास भी नहीं है तो वो भी कैसे देगा। इसीलिए तकरार तो खत्म ही नहीं होती है, खाली पर्व पर एक दूसरे से हम औपचारिकता आदत संस्कार इस वजह से मांग तो लेते हैं, दे भी देते हैं, कह भी देते हैं, लेकिन ना तो कोई दे सकता है ना कोई मांग सकता है, क्योंकि ये देने मांगने की चीज ही नहीं है। और मजे मजेदार बात है, इसका संबंध दूसरों से ही नहीं है, हमने सब चीजों का संबंध दूसरों से बना लिया कि हम दूसरे को क्षमा दे रहे, किसी का दिल दुखाया हो। अरे जब हम किसी को सुख नहीं दे सकते, दुख भी नहीं दे सकते, वो सामने वाले पे है कि वो अपना दिल दुखाए या ना दुखाए, वो किसी भी घटना को लेकर के आहत हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। आपने तो किसी को प्यार से चपत मारी हो, सामने वाला उसकी गांठ बना ले, क्या कर सकता है आपको, कि मैंने दुख नहीं दिया लेकिन उसने दुख ले लिया। आपने किसी को प्यार से किस किया हो लेकिन सामने वाले ने उसको भी दुख बना लिया, क्या कह सकते हैं। तो कोई दुख ले सकता है लेकिन हम दे नहीं सकते, कोई सुख ले सकता है हम दे नहीं सकते, और वो जो सुख दुख ले रहा है वो आपको निमित्त बना के अपने आप में ही पैदा कर रहा है। अब जब ये तथ्य समझ में आ गया, हम ही हमारे कर्ता है, हम ही हमारे भोक्ता है, तो भला कोई किसको कैसे सुख दुख दे सकता है। पर एक भ्रम पैदा होता है कि हम किसी को दुख पहुंचाए तो क्षमा, लोग बोलते हैं मेरे को आपको दुख पहुंचाया हो तो आपको क्षमा मांगते हैं, भाई तो पहुंचा ही नहीं सकते भाई वो मेरी मेरी मौज है, मैं दुख लेना चाहूँ तो लो, ना लेना चाहो ना लो, तुम नहीं पहुंचा सकते, ये प्रिविलेज नहीं है लेकिन हम ऐसे ही, क्योंकि हम बोलते तो रहे अपने आप को जैन है हम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में हमारी जीवन में जो अस्तित्वगत समझ होनी चाहिए, जो अपनी जीवंत समझ होनी चाहिए,
जो महावीर की वाणी के एक भी सूत्र की असली समझ होनी चाहिए। अगर वो हो जाए तो फिर हम औपचारिक रह ही नहीं सकते, फिर हम कैसे कह सकते हैं अरे क्षमा मांगी जा सकती है या दी जा सकती है। नहीं, क्षमावान हुआ जाता है। इसका संबंध दूसरों से नहीं ना, खुद से है। अगर हम खुद है तो हमें पता लगेगा हम विराट हो जाते हैं। क्षमावान व्यक्ति विराट हो गया, वो पूरे अस्तित्व के साथ एकाकार हो गया। लेकिन जब हम नहीं है तो हमें पता है हम कितने सीमित हैं, हमारे भीतर कितनी सिकुड़ सिकुड़पन है, और जितने हम सिकुड़े हुए उतने तनाव में है ना। बस जो तनाव है वो अधार्मिक है, जो तनाव मुक्त है वो धार्मिक है। एकदम सरलता से समझा जाए तो क्षमा या धर्म या संवत्सरी, इसका संबंध गैर से नहीं है, खुद से है, भीतर से है। और हमारी समझ गहरी होगी, हमारी अनुभूति डिफरेंट हो जाएगी, और तब पूरा जगत कहीं बाहर नहीं है ना। इसलिए कहा मिट्टी में सब हुए सो, मेरा ही भूत है ये पूरा जगत जो मैं देख रहा हूँ, वो मेरा ही भूत है। मैं अपने अतीत के कारण ही इस सब में हूँ, मौजूद हूँ। और अगर मैं इसमें किसी का भी वर्णन ना करूं तो मैं मुक्त हो जाता हूँ किसी क्षण। आज जैसे ही मैं किसी का चुनाव करता हूँ, मैं अपने लिए ग्रंथि पैदा कर देता हूँ। क्लिक करने के साथ ही ऑप्शंस आ जाते हैं, और फिर ऑप्शन में जैसे ही गए वैसे ही न जाने कितनी स्थितियां पैदा हो जाएगी। इसलिए क्लिक ही नहीं करते, वर्णन करना है क्लिक करना, क्लिक कर दिया, सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट ही नहीं किया तो बात ही खत्म। तो बड़ा मजा हो सकता है जीवन की, ये समझ आ जाए कि क्षमा मांगने या देने की चीज नहीं है, क्षमावान होने की बात है। जो क्षमावान है यानी वो धैर्यवान है, इसका मतलब उसकी समझ है कि जीवन क्या है। और मजेदार बात है, हम जीवन क्या है इसकी समझ के बिना ही जीवन को से जीवन में आ भी जाते और बाहर भी हो जाते हैं यहाँ से, इसको समझे बिना ही चले जाते हैं। कितना उपकार किया उन लोगों ने जिन्होंने हमें समझ दी, जिन्होंने अपने अनुभव से जाना। हमने तो उनके अनुभव का रस पिया है, वो लोगों ने तो अपना मंथन करके अपने को उगाड़ के जाना, और हमने उनकी वाणी से जाना। तो बड़ा मजा हो रहा है, तत्वार्थ सूत्र की यात्रा हम कर रहे हैं, और ये बहुत लंबी यात्रा लग रही है मेरे को। मैं चाहती भी हूँ शॉर्ट कर दूँ तो भी नहीं होता। अभी तक हम सेकंड चैप्टर में ही हैं, जीव तत्व नाम का ये जो दूसरा चैप्टर है उसमें हम शरीर की बातें कर रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने कार्मण शरीर की चर्चा की थी, पांच शरीर, औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस, कार्मणानि शरीराणि, ये 37th वा सूत्र था जिसकी चर्चा हम पिछले दो तीन तीन सेशन से कर रहे हैं ना। अब ये जो है पांचों शरीर की बात, ये जो पांचों शरीर है इसी का विज्ञान अगले और सूत्र में बताते हैं। सारे अगले चार पांच सूत्र इन्हीं शरीर के संबंध में ही है। ये जो पांचों सूत्र है, पांचों शरीर है, इनको उन अनुभवी योगियों ने अपने भीतर जाना है। ये साइंस भीतर की समझ से पैदा हुई है ना। तो उन्होंने क्या जाना कि ये जो बाहर का शरीर है औदारिक शरीर, इसी के भीतर कैसे, जैसे किसी हम ऐसे कल्पना करें कि एक कमरा है, फिर उस कमरे में कमरा है, फिर उस कमरे में कमरा है, एक डिब्बा है, डिब्बे में डिब्बा है, उस डिब्बे में डिब्बा है ना। ऐसे हमारे भीतर ही ये सारे सारे शरीर मौजूद है, कहीं गुप्त रूप से कहीं प्रकट रूप से। अब जो लोग भीतर गए उन्होंने क्या बोला, ये जो पांचों शरीर है इनकी संरचना, सबकी संरचना, शरीर का मतलब ही वो जो परमाणु पुद्गलों से बना हुआ है ना, और शरीर का मतलब ही है कि जो लगातार बन मिट भी रहा है, शीर्यते इति शरीर, जो लगातार क्षीण भी हो रहा है, लगातार इसके अंदर परमाणुओं का संयोग वियोग जारी है।
जो अगला सूत्र है जिसकी हम आज बात करने वाले, 38 सूत्र है। 37 हमने बात की थी, 5 शरीर के नाम थे उसमें। 38 सूत्र कह रहा है परम परम सूक्ष्म। परम परम सूक्ष्म का मतलब है कि ये एक एक से बढ़ करके नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो है वो सूक्ष्म होते जा रहे हैं। जैसे औदारिक स्थूल है, वैक्री उससे सूक्ष्म है, आहारक उससे भी सूक्ष्म है, तेजस उससे भी सूक्ष्म है, और कार्मण उससे भी सूक्ष्म। अभी नेचुरल बात है, एक के अंदर एक के अंदर एक है तो सूक्ष्म तो होगा। तो ये सूत्र कह रहा है परम परम सूक्ष्म, अगला अगला जो है शरीर वो एक दूसरे से सूक्ष्म होता जा रहा है। अब यहाँ सूक्ष्म होने का अर्थ क्या है? तो सूक्ष्म का मतलब है कोई चीज स्थूल है और कोई सूक्ष्म है, तभी सूक्ष्म शब्द आएगा। जैसे हमने बोला कोई दुश्मन है तो कोई दोस्त है, कोई दोस्त है तो कोई दुश्मन है। तो हमने कहा सूक्ष्म यानी इसका मतलब है कि कोई चीज स्थूल है। तो पहला स्थूल है, दूसरा उससे सूक्ष्म, दूसरा स्थूल है, तीसरा उससे भी ज्यादा सूक्ष्म, ऐसे तुलनात्मक हो गया ना, ये सब कंपेरिजन में आ गया। अब हम बात कर रहे हैं कि जो ये सूक्ष्म है और स्थूल है, ये क्या चीज को सूक्ष्म कहा जा रहा है, किस चीज को स्थूल कहा जा रहा है? तो कह रहे हैं कि ये जो शरीर की रचना रचना हुई है, इस रचना में जो परमाणुओं का, जो स्कंदों का जो यूज हुआ है, उनके जो गठबंधन हुआ है, उसमें ऐसा हुआ है कि पहले में शरीर में स्थूल शिथिलता बहुत है, परमाणुओं की रचना में शिथिलता बहुत है, सघनता कम है, डेंसिटी कम है और उसका फैलाव ज्यादा है, तो वो औदारिक बन गया। फिर वैक्रिय, उसमें डेंसिटी घटती गई है और शिथिलता घटती गई है और डेंसिटी बढ़ती गई है। अब वो सघन नहीं है, वो फैला हुआ नहीं है, लेकिन वो गहरा है, बहुत ठोस है। एग्जाम्पल से समझाया उन्होंने कि जैसे रुई का ढेर है और एक लोहे का गोला है, तो लोहे के गोले में परमाणु ज्यादा है, लेकिन वो डेंसिटी इतनी हो गई है, स्ट्रांग हो गए, सघन हो गए, और रुई का ढेर फैलाव ज्यादा है। अभी दूसरा एग्जाम्पल लो, एक सोना एक हीरा है। अब सोने में भी परमाणु है, हीरे में भी परमाणु है, मिला सब, सारी चीजें बनी हुई परमाणुओं के संयोग से ही है, लेकिन सोना से हीरा जो है उसमें जो परमाणु की रचना हुई है उसमें सघनता ज्यादा हो गई है, शिथिलता कम हो गई है, डेंसिटी बढ़ गई है, तो वो छोटा हो गया हीरा, सोना फैला हुआ हो गया थोड़ा, है ना। तो ऐसी औदारिक से वैक्रिय, वैक्रिय से आहारक, आहारक से तेजस, तेजस से कार्मण, एक से ज्यादा, एक अधिकाधिक सूक्ष्म रूप होते जाते हैं, सूक्ष्म रूप होते जाते हैं। अब ये सूक्ष्मता उनको समझ में आई जो अपनी दृष्टि को अपने भीतर इतनी सूक्ष्मता तक लेकर जा पाए। जैसे अगर हम बाहर भी कोई चीज को ऑब्जर्व करना चाहे तो हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र बनाने पड़े, है ना। फिर हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र से ऐसे कोई कांच से, ऐसे कोई शीशे से, नॉट कांच, शीशे से, जब हम उस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से किसी चीज को देखते हैं तो कैसे वो चीज हमें बाहर कैसी दिखाई दे रही है, और उस यंत्र से देखेंगे तो कितना बड़ा डिफरेंस आ जाएगा, हम सोच ही नहीं सकते। हम ऐसे देख रहे हैं कोई चीज को, सपोज अक्षरों को हम ऐसे देख रहे हैं, और जैसे ही सूक्ष्मदर्शी यंत्र लगा के देखेंगे तो उनका देखने का बिल्कुल ही जो पर्सपेक्टिव है वो पूरा की पूरा चेंज हो जाएगा। और इन लोगों ने यंत्रों से नहीं जाना, इन लोगों ने अपने भीतर के तंत्र को जाना, और उनको जान करके बोला परम परम सूक्ष्म। अभी जो सूक्ष्म हुए हैं उसके आगे और नेक्स्ट जो सूत्र है, अभी हम इसकी व्याख्या ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सिंपल सी बात है, समझ में आ गई। तो हम नेक्स्ट सूत्र पे जा रहे हैं। 39 सूत्र क्या कह रहा है? परम परम सूक्ष्म के बाद वाला सूत्र कह रहा है प्रदेश तो असंख्य गुणम प्राक तेज सात। 40th सूत्र, 39 सूत्र कह रहा है प्रदेश तो असंख्य गुणम प्राक तेज सात, प्रदेश की अपेक्षा से असंख्य गुणा ज्यादा है तेजस से पहले तक के शरीर। सूत्र का शब्दार्थ बोल रही हूं मैं, प्रदेश तो प्रदेश की अपेक्षा से असंख्य गुणम प्राक तेज सात, असंख्यात गुणा ज्यादा है तेजस से पूर्व तक के शरीर, यानी औदारी वैक्री और आहार, ये 3 शरीर की बात की गई है तेजस से पूर्व।
ये तीन शरीर है, उसके बाद तो तेजस और कर्मण है। तो प्राग तेजसा, तेजस से पहले के जो तीनों शरीर है उसमें जो परमाणुओं का प्रदेश इकट्ठा हुआ है वो एक दूसरे से असंख्यात गुना ज्यादा है। अभी इसको समझेंगे हम, व्याख्या करेंगे तो समझ आएगा। असंख्यात गुना ज्यादा है यानी औदारिक में जो प्रदेश यूज आए, औदारिक शरीर बनने में जो प्रदेश बने हैं उससे वैक्री शरीर के बनने में असंख्यात गुना अधिक प्रदेश प्रयुक्त हुए हैं। असंख्यात गुना अधिक प्रदेश जुड़े हैं तो वैक्री शरीर बना। वैक्री शरीर में जितने प्रदेशों से वैक्री शरीर बना उससे असंख्यात गुना अधिक आरक शरीर के बनने में लगते हैं। अब ये चीजें तो अंदर जा रही है, सूक्ष्म होती जा रही है, लेकिन इसमें प्रदेशों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा हो गई। जैसे अपन एक एग्जांपल से समझे, एक लेजर की किरणें हैं और एक मरकरी लाइट है। अब देखो लेजर की किरणों में आपको कितना फैलाव है, कितना कुछ दिखाई दे रहा है ना। मरकरी लाइट उससे भी सूक्ष्म हो गई है लेकिन उसकी क्वालिटेटिवली चेंज हो गया है। क्वालिटेटिवली वो और ज्यादा इफेक्टिव हो गई है। तो बाहर की दुनिया में से बहुत सारी चीजों का एग्जाम्पल लिया जा सकता है कि कोई चीज है वो अपना इंप्रेशन दे रही है, इम्पैक्ट दे रही है बहुत फैलाव के साथ, और कोई चीज है जो उससे बिल्कुल छोटी है, सूक्ष्म हो गई है, लेकिन उसका इम्पैक्ट और उसका इम्प्रेशन और भी गहरा हो गया। नहीं, जैसे हम फोटोग्राफी कर रहे हैं तो एक तो कैमरे से फोटो ले रहे, ये भी फोटो लेना हुआ, लेकिन एक महिला चली गई डॉक्टर के पास, बोल के मेरे चेहरे में बहुत पेन हो रहा है। तो डॉक्टर बोला एक्सरे करना पड़ेगा। महिला बोली एक्सरे मतलब क्या होता है? बोलते आपके चेहरे का फोटो लिया जाएगा। अब महिला है, बोले चेहरे का फोटो लिया जाएगा? रुको रुको डॉक्टर, मैं थोड़ा मेकअप करके आती। तो अगर मेकअप नहीं करे तो फिर चेहरे का फोटो लेने का मतलब क्या हुआ? उसका क्या पता एक्सरे में जो फोटो आएगी इस मेकअप से कोई लेना देना नहीं। लेकिन वो भी एक्सरे में फोटो ले रहा है, लेकिन उसके फोटो लेने में क्या हो गया? अब जो किरणें आ गई है वो डिफरेंट हो गई है ना। तो औदारिक में जितने प्रदेश प्रयुक्त हुए हैं औदारिक शरीर बनने में, प्रदेश का क्या अर्थ है ये भी हम थोड़ा समझ लें। पुद्गल परमाणु, जो हम पुद्गल की शब्द की बात करते हैं उसको हम चार तरीके से डिफाइन करते हैं। पुद्गल को समझने के लिए स्कंद, चार भी नहीं तीन तरीके से, स्कंद देश और प्रदेश है ना, तीन तरीके से हम समझ ले इसमें, स्कंद देश और प्रदेश। पुद्गलों के में परमाणुओं के संयोग से स्कंद बना, मॉलिक्यूल बना है ना। स्कंद हमको एकदम इजीली समझ में आ जाएगा, मॉलिक्यूल्स जिसको हम बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में। अब ये जो मॉलिक्यूल्स है इसमें कितने सारे एटम्स के कारण से ही सारे मॉलिक्यूल्स बने ना। अभी हम जिस एटम को समझ पा रहे हैं वो एक्चुअली एटम नहीं है, क्योंकि जो एक्चुअल एटम है वो तो आंखों से दिखाई नहीं दे सकता, वो भी मॉलिक्यूल ही है, वो भी कोई स्कंद ही है, वो भी कोई सारे परमाणुओं के संयोग से बना हुआ है। लेकिन चूंकि हम मॉलिक्यूल्स में भी बहुत सारे डिफरेंसेस समझ लेते हैं, ये बड़ा ये छोटा, ये छोटा एकदम छोटा एकदम छोटा है, माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं तो हम समझते हैं हमने एटम को देख लिया, बट वी आर नॉट एबल टू वॉच अ एटम। एटम विजिबल ही नहीं होता है, वो है लेकिन विजिबल नहीं। अब है और विजिबल नहीं है फिर भी वो अपना इंप्रेशन कैसे दे रहा है? अपने ऊर्जा के तार द्वारा, ऊर्जा की वजह से एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं है ना। तो ये ऊर्जा की ये संबंध जो होते हैं, ये एक दूसरे को जो कनेक्ट कर रहे हैं, एक्चुअल में तो कनेक्ट हो ही नहीं रहे, क्योंकि एक परमाणु दूसरे परमाणुओं के साथ लगता है संयुक्त हुआ, लेकिन एक्चुअल में तो वो एक दूसरे के अंदर कभी जाएगा ही नहीं, लेकिन फिर भी कनेक्शन हो रहा है सब कुछ। अब ये कनेक्शन कैसे हो रहा है, ये बड़ी मजेदार घटना है जिसको आज तो समझना बहुत आसान हो गया, क्योंकि आज हमारे पास में इस तरीके की भौतिक विज्ञान, क्वांटम फिजिक्स और सब चीजें डेवलप हो गई जो बता रहा है कण ही तरंग है, तरंग ही कण है ना। तो ये सब
तरंगों के माध्यम से कनेक्ट हो रहा है, पूरा पूरा अस्तित्व में जितना कुछ भी परमाणु संयोग है, और है ही, हर जगह पर है। उसके बिना तो हम अपने आप को अभिव्यक्त भी नहीं कर पाएंगे, अगर ये शरीर ना है तो हम एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे। तो सब कुछ जो दिखलाई पड़ रहा है, पूरा दृश्यमान जगत जो है, वो भौतिक परमाणुओं से बनी घटनाएं हैं। और भौतिक परमाणुओं की मजेदार स्थिति यह है कि लगते हैं कनेक्ट हो गए, लेकिन ये कनेक्ट हुए नहीं है। ये एक दूसरे के साथ केवल ऊर्जा की संबंध है, ऊर्जा आदान प्रदान हो रही है, इसी को हम तरंग बोल रहे हैं। तो ये कण और तरंग कैसे एक दूसरे के साथ रूपांतरित होते जाते हैं, और ये सारा घटनाओं का निर्माण होता जाता है, शरीर का निर्माण होता जाता है। और अब ये शरीर का निर्माण हो ही क्यों रहा है, पहली बार ये परमाणु मिलजुली क्यों रहे, एक दूसरे के साथ आकर्षित विकर्षित हो ही क्यों रहे, इसके पीछे रीजन क्या है? कौन है जो शरीरों का निर्माण कर रहा है? कौन है जो औदारिक बना रहा है, वैक्रिय बना रहा है, आरक बना रहा है? कौन है जो इन परमाणुओं में ही अलग अलग तरीके की चार्जिंग दे रहा है? क्योंकि चार्ज के साथ ही चीजें बदल जाती है, परमाणुओं में चार्ज के साथ ही तो ये घटनाएं बदल रही है। भाई क्यों लोहा लोहा है, क्यों सोना सोना है, क्यों रुई रुई है, ये सब परमाणुओं के अलग अलग संयोगों से अलग अलग प्रकृति, अलग अलग रूप आकार पैदा हो गए, है ना? पर ये सब के पीछे कौन है, वो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा, और वो चेतन तत्व है। चेतना से पैदा हुई तरंगे सबसे पहले, जिसको हम भाव बोल देते हैं। अब शब्द कुछ तो देना पड़ेगा, हकीकत में तो कोई शब्द नहीं है, लेकिन चूंकि भाव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भाव का अर्थ होता है होना। भू धातु से भाव शब्द बना है, इसका अर्थ होता है होना। तो हमारा ही होनापन ये शरीर के रूप में आया है, शरीर अलग से नहीं आया, हमने ही अपने आप को शरीर रूप में बना लिया है। ऐसा नहीं हमने शरीर को चिपकाया कहीं से ला करके, या ऐसा भी नहीं है हमने पहले एक जेल बनाई और फिर उसके अंदर जाके घुस गए, हम ही जेल हुए हैं हमारे ही होनेपन से। यानी कि ये परमाणुओं को चार्ज देने वाला भी कौन है, ये क्लेरिटी हमारे अंदर आ जाएगी। चेतना ही है, और हमारी ही स्थिति से हम अपने अपने भिन्न भिन्न तरीके के शरीरों का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए तो देखो, सब एक शरीर का अगर खाना खा रहे हो हम, तब भी हमारे शरीर एक शरीर के बनेंगे क्या? आपने और ईशिता जी ने एक ही जैसा खाना खाया ना, घर में आप दो लोग रह रहे हो तो एक ही तरह का खाना बनता होगा दोनों के लिए, एक ही तरीके का खाना दोनों खाते होंगे। लेकिन ईशिता जी का शरीर डिफरेंट तरीके से बन रहा है, आपका शरीर डिफरेंट तरीके से बन रहा है, नहीं? आपके शरीर में अलग प्रकृतियां पैदा हो रही, हो सकता है आप किसी को वात पैदा हो रहा है, किसी को पित्त ज्यादा हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी के शरीर में कैसी। तो ये सारी खाना एक जैसा गया, फिर भी शरीर अलग अलग क्यों हो रहा है? कौन है जो डिफरेंट कर रहा है, डिफरेंस कर रहा है, पैदा कर रहा है? और आपके घर में कोई कुत्ता है, आप उसको भी वही खाना दे दो तो भी कुत्ता कुत्ता ही बनेगा, आदमी नहीं हो जाएगा, है ना? इसका मतलब हमारे भीतर कोई ऐसा मैन्युफैक्चरर जो है, उसकी वजह से ये शरीर जो है सबके अलग अलग बन रहे, और ये शरीर हम ही हो रहे हैं। मजेदार बात ये, हम ही अपने बहुत सारे सहयोगों से ये आकृतियां पैदा कर रहे हैं। भक्तामर स्तोत्र में आचार्य मान्तुम जब भगवान आदिनाथ की स्तुति कर रहे हैं, तो स्तुति करते हुए एक श्लोक में वो बोलते हैं कि इस आपके शरीर जैसा शरीर दुनिया में दूसरा पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि वे परमाणु उतने ही थे भगवान जिससे आपका शरीर बन पाया। वो अपनी स्तुति में कह रहे हैं, क्यों ये बात कहाँ से पैदा है, क्योंकि तीर्थंकरों के जो शरीर है या कोई भी ऐसी स्थिति जो पैदा हुई, उनके भीतर की प्रकृति, उनकी अवस्था कैसी रही होगी कि उनकी वजह से उनका शरीर वैसा बना।
यह संस्तुत सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा बुद्ध भूत बुद्धि। तो दोबारा ऐसे बनता कैसे? क्योंकि आपके वो परमाणु वैसे थे। अब ये परमाणु वैसे थे मतलब परमाणु थे क्या? नहीं, परमाणु उससे चार्ज हुए थे। चार्जिंग से सब डिफरेंट हो रहा है। और वो चार्ज हमारे भावों से आवेशित और प्रतिवेशित होकर के ये परमाणुओं के संयोग में, संयोगों से स्कंद पैदा होते हैं। स्कंदों के समूह से ये सारी भौतिक बनावटें हैं। अब स्कंदों को ही हम बांट दे तो देश है, और देश को बांट दे तो प्रदेश है। स्कंद एक रचना है, और उसको हम बांट दे, टुकड़ा कर दे, जैसे हमने सब्जी चॉप किया, जैसे हमने हर चीज को काट कट 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 किया ना, तो वो टुकड़े को देश बोलते हैं। देश का मतलब एक भाग, एक हिस्सा। जैसे हम बोलते हैं भारत देश, बांग्लादेश, तो देश का मतलब क्या हुआ? ये टुकड़ा है, ये हिस्सा है। और प्रदेश का मतलब क्या हुआ? जो देश का भी नेक्स्ट टुकड़ा है, जो देश का टुकड़ा कर दिया गया। तो भारत में कितने प्रदेश हो गए? भारत एक देश है, फिर उसके अंदर वापस हमने प्रदेश बना दिए। ये राजस्थान प्रदेश है, ये बिहार प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है ना, तो हमने इसके भी प्रदेश नाम दिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो ये सारे देश के वापस टुकड़े को प्रदेश बोलते हैं। अब ये सूत्र कह रहा है कि प्रदेश तो असंख्य गुणम प्राक तेज सत्, तेजस के पहले तक के जो शरीर है वो प्रदेश की अपेक्षा से असंख्या गुणा ज्यादा है। अब ये असंख्या गुणा इनको क्यों कहना पड़ा? क्योंकि नेक्स्ट सूत्र में ये कह रहे हैं अनंत गुणे परे, कोई तुलनात्मक बातें की जा रही है, इसीलिए ये बातें पैदा हो रही है। पहले का परम परम सूक्ष्म एक दूसरे से सूक्ष्म होते जा रहे हैं। फिर बोला जो तीन शरीर है वो तो एक दूसरे से असंख्य गुणा प्रदेशों में ज्यादा है, और तेजस और कर्म जो है अनंत गुणे परे, परे यानी नेक्स्ट के दो जो है वो एक दूसरे से अनंत गुणा ज्यादा है, यानी औदारिक से असंख्या गुणा प्रदेश ज्यादा वैक्रिय में आए। अब इसमें प्रदेश तो ज्यादा है लेकिन डेंसिटी कम है, घनत्व कम है, तभी तो सूक्ष्म हो गया। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, लकड़ी भी है और लोहा भी है, डेंसिटी कम हो गई ना यहाँ पे, लकड़ी में ज्यादा है, फैली हुई है, लोहे में कम हो गई है ना। तो औदारिक से वैक्रिय में असंख्या ज्यादा प्रदेश हुआ, वैक्रिय से आहारक में असंख्या ज्यादा हुआ, आहारक से तेजस में अनंत गुणा ज्यादा है, और तेजस से कर्मण में अनंत गुणा ज्यादा है। तो बोले अनंत गुणे परे। अब यहाँ पे नया क्वेश्चन जो अमित जी का है कि असंख्या और अनंत में अंतर क्या है ना। तो तीन शब्द लेते हैं हम, संख्यात, असंख्यात और अनंत। संख्यात न्यूमेरेबल, जिनकी गिनती की जा सकती है, संख्यात मतलब गिना जा सकता है, संख्या की जा सकती है, तो गिनती कहाँ तक कर सकते हैं? तो देखा जाए तो अभी हमारे गणित में, भारत के गणित में जो हमने जीरो पैदा किया है ना, फिर 1 2 3 9 तक, 10, और इस 10 का फैलाव आगे कितना करते जाते हम है ना, करोड़, फिर अरब खरब। अब पुरानी गणित की बात करें तो उन्होंने शंख महाशंख पद्म महापद्म ऐसे भी नाम देख करके संख्या को गिना है, और उन्होंने 19 की कैटेगरी तक गए। वो इसको समझना भी आसान नहीं है, संख्यात को समझना भी आसान नहीं है, जिसकी संख्या की जा सकती है उसकी भी संख्या करना आसान नहीं है, पॉसिबल नहीं है। है तो संख्यात, लेकिन फिर भी क्या हम उसकी संख्या कर सकेंगे? एक बहुत मस्त एग्जाम्पल स्वामी जी देते हैं। एक व्यक्ति जिसने शतरंज बनाया, तो जब शतरंज बनाया, उसने शतरंज का आविष्कार किया, तो वो राजा को दिखाने के लिए गया। राजा ने जब शतरंज का खेल पहली बार देखा, समझा, तो बड़ा खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। तो राजा ने शतरंज बनाने वाले को बोला कि तुम मांगो, तुम्हें क्या इनाम दिया जाए, तुम जो मांगोगे वो दिया जाएगा। शतरंज का बनाने वाला व्यक्ति बोला कि राजन आप दे ही नहीं सकते। राजा के अहंकार को चोट लगी, बोला मैं दे क्यों नहीं सकता हूं?
तुम मांगो, मैं राजा हूं, मेरे पास धन धान्य कोष भंडार सब भरे पड़े हैं, इतना असीम वैभव है मेरे पास में, तुम मांगो, तुम क्या कैसे नहीं दे सकता। तो वो बोला मेरी बहुत छोटी सी मांग है, आप पूरी कर दो तो बहुत बड़ी घटना हो जाएगी। राजा बोले हाँ हाँ पूरी हो जाएगी, बोलो क्या मांग है। तो बोलता है कि ये मेरा शतरंज का जो बनाया हुआ है इसमें 64 खाने हैं, है ना, तो आप ऐसे करो, पहले खाने में गेहूं का एक दाना भर दो, दूसरे खाने में उससे डबल, तीसरे में दूसरे से डबल, चौथे में तीसरे से डबल, ऐसे आप डबल 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 बढ़ते जाओ, करके देखो। 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, ऐसे ऐसे आप डबल 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 करते जाइए, है ना। अब ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जिसको बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो करते जाए पूरी पृथ्वी खाली हो जाए उतना गेहूं उसमें आ जाएगा, और उतने गेहूं के दाने गिन करके भरना, अब कहाँ तक जाएगा। जो मैथमेटिक्स में एकदम दिमाग जिनका फास्ट चलता है वो तो एकदम से काउंट करेंगे। अभी कल रात को स्वामी जी मुझे स्टोरी बता रहे थे, और हम 30 तक भी नहीं पहुंचे, उसमें तो करोड़ों करोड़ों की संख्या में पहुंच गए थे। तो बोले देख अभी तक 30 भी नहीं भरा है, तो 64 कैसे भरेंगे, और फिर 64 के भरने में तो एक पृथ्वी नहीं, कितनी पृथ्वियों के गेहूं के दाने डालेंगे तब वो भरेगी। कैन वी इमेजिन। तो संख्यात के भी संख्यात भेद हो गए, और संख्यात को भी संख्या करना आसान नहीं है, तो असंख्यात किसको बोला गया। ये गणित है ना एकदम, आपके तो बाल ही नहीं वैसे ही ऊपर से जाती है। पर कोई कोई लोग कैसे रामानुजम जैसे कोई ऐसे मैथमेटिशियन भी पैदा हुए। तो संख्यात की हम बात कर रहे हैं, फिर असंख्यात उसको कहा गया जिसको संख्या तो की नहीं जा सकती, जिसको उपमा से समझा जाता है, उपमा दे करके समझा जाता है। जैसे हमने बोला सागरोपम पल्योपम, उपम मतलब उपमा दी गई है, पल्यो जमाने में, उस जमाने में कुएं को बोलते थे, तो बोला कि ये पल्योपम है, पल्योपम का मतलब अब कुएं का पानी गिन लो, कुएं का पानी की गहराई देखो, या कुएं में कोई चीज भर लो। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया शास्त्रकारों ने, ग्रंथकारों ने, पुराने लोगों ने, कि आदमी के बाल के छोटे 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 इतने महीन टुकड़े कर दो कि उसके नेक्स्ट टुकड़े ना हो सके, और उससे कुआं भर दो, और फिर उसमें से एक 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 बाल निकालते जाओगे तो कितना वो निकलने में टाइम लगेगा, इतने समय को पल्योपम बोला। मतलब उस गिनाई नहीं जा सकता है, तो उपमा दे के समझाया। अब ये तो कुआं की उपमा दी, तो फिर एक सागर की उपमा दी, सागरोपम। सागरोपम यानी सागर की उपमा वाला समय, सागर की उपमा वाली स्थिति। अब वो स्थिति को कैसे समझा जाएगा सागरोपम। अब हम सागर की बूंदों की कोई गिनती कर सकता है। तो बोले असंख्यात है, गिना तो नहीं जा सकता। उपमा से समझा जा सकता है, एक कुएं का पानी है, एक सागर का पानी है, उपमा से समझा जा सकता है खाली। तो एग्जाम्पल से जो समझा जा सकता है, लेकिन जिसमें गिनती हो पॉसिबल ही नहीं है। मैं पहले कह रही संख्यात की भी गिनती पॉसिबल नहीं, फिर भी उसको संख्यात बोला, कहीं पॉसिबल हो जाए। पर असंख्यात उसको बोला जिसकी तो गिनती तो इन्यूमरेबल है, लेकिन उपमा से समझा जा सकता है। और अनंत उसको बोला जिसकी कोई उपमा भी नहीं हो सकती। अब ये कैसे, जिसको एग्जाम्पल से भी नहीं समझा जा सकता। तो फिर एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने, कितना कृपा की उन लोगों ने हमको समझाने के लिए। हालांकि बड़ी मजेदार बात है कि हम गणित को बुद्धि से समझना चाहते हैं, जबकि ये भी बड़ी आत्मिक भाषा है। विराट गुरु जी कहा करते थे कि चूंकि हम बौद्धिक में ही उलझे हुए हैं, तो हम इस आत्मिक स्थिति को भी गणित की भाषा में बुद्धि से समझना चाहते हैं, इसीलिए हम अनंत को भी समझने की कोशिश करते हैं कि अनंत है तो फिर अनंत कितना। तो क्या अनंत के भी भेद होते हैं क्या, हमारे शास्त्र कहते हैं जी अनंत के भी अनंत भेद होते हैं, अब इसको कैसे समझेंगे अनंत के भी अनंत भेद होते हैं। तो विराट गुरु जी ने एग्जाम्पल देके समझाया कि जैसे एक हमने वृत्त बनाया, गोला बनाया ना,
अब ये जो व्रत है, अगर हम पूछे इसमें स्टार्टिंग क्या, देर इज नो स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग क्या, देर इज नो एंडिंग पॉइंट, है ना। यानी अनादि है और अनंत है, ना तो इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है अनादि है, ना इसका एंडिंग पॉइंट है अनंत है ना, अनंत जिसका अंत नहीं है। लेकिन जो ये व्रत है, इस व्रत से बड़ा व्रत बना लो, फिर इससे बड़ा बना लो, इससे बड़ा बना, इससे बड़ा, इससे बड़ा बना लो, इससे बड़ा बना लो, तो है तो सारे ही अनादि अनंत, लेकिन फिर भी समझने के दृष्टिकोण से हम एक एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, फिर भी एक बड़े व्रत में दूसरा व्रत समाया, दूसरे में तीसरा समाया, यानी एक अनंत में फिर एक अनंत है, फिर एक अनंत है, फिर एक अनंत है, तो अनंत के भी कितने भेद हो गए। पनवणा सूत्र वगैरह पढ़ेंगे अगर ना, तो दिमाग चकरा जाएगा वहां पे। जगन्य अनंत, मध्यम अनंत, उत्कृष्ट अनंत, फिर जगन्य के भेद, मध्यम के भेद, उत्कृष्ट के भेद, ऐसे बड़े मजेदार अनंत के भी भेद किए गए हैं। तो हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि व्रत जो है वो है अपने आप में अनादि अनंत, लेकिन फिर भी चूंकि व्रत में व्रत, व्रत में व्रत समा जाते हैं, तो इसका मतलब है अनंत के भी अनंत भेद होते हैं। तो अभी मोटा मोटी हमने समझा संख्यात, असंख्यात और अनंत। संख्यात न्यूमेरेबल है फिर भी नहीं है, असंख्यात अन्यूमरेबल है, लेकिन उसको किसी उपमा से समझाया जाता है, और अनंत वह है जिसको हम समझ ही नहीं सकते उसको। जैसे कोई एक शब्द है जैसे अगम्य, जाना ही नहीं जा सकता, अज्ञेय, तीन शब्द है हमारे पास, एक है ज्ञान, ज्ञे, ज्ञात, पहला शब्द ज्ञात, दूसरा अज्ञात। हमने जान लिया वो ज्ञात हो गया, जिसको हमने नहीं जाना वो अज्ञात है, और जिसको जाना ही नहीं जा सकता वो अज्ञेय है। जिसको जाना ही नहीं जा सकता है। तो उपनिषदों में ये शब्द यूज किया गया परमात्मा के लिए कि वो अज्ञेय है, उसको जाना ही नहीं जा सकता। दुनिया में जो कुछ चीजें वो ज्ञात या अज्ञात की दो श्रेणी में बांटा जाता है। भाई कल तक हम नहीं जानते थे बिजली क्या है, आज हम जानते हैं। कल तक हम नहीं जानते थे मोबाइल फोन, वीडियो कॉलिंग, ऑल दीज थिंग्स, पर आज ज्ञात हो गया। तो कई चीजें जो ज्ञात है, कई चीजें अज्ञात है। अज्ञात को हम तकनीकों के द्वारा, खोज के द्वारा, इन्वेंशन से हम जान लेते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसी चीज भी है जिसको कभी जाना ही नहीं जा सकता। हाँ ऐसी भी चीज है, क्योंकि फिर जानने वाला अलग रहता ही नहीं है, तो जानेगा कैसे। क्यों अज्ञेय है, क्योंकि अभी हम जानने वाले हैं और कुछ जाना जा रहा है वो है। अभी हम ज्ञाता है और कोई चीज है जिसको हम जान रहे हैं वो ज्ञेय है, वो सब्जेक्ट है जिसको हम पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं ना, कोई ऑब्जेक्ट है, नॉट सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है। तो कोई ज्ञाता है, कोई उस, जैसे मैं किताब पढ़ रही हूँ, तो मैं पढ़ने वाली हूँ और किताब पढ़ी जा रही है, मैं जानकारी लेने वाली और कोई जानकारी ली जा रही है, ठीक है, दो भेद हो गए। लेकिन वो अज्ञेय क्यों बोला गया, क्योंकि उसके बाद में भेद ही नहीं है। अब कौन जानने वाला है, कौन जानने वाला है, कौन ज्ञान है और कौन ज्ञाता है, जब भेद ही नहीं रहा ज्ञान का और ज्ञाता का, तो उसको किसी ने अज्ञेय बोला, किसी ने केवली बोल दिया। अब केवली हो गया, खत्म हो गया, ना ज्ञान है ना ज्ञाता है ना ज्ञेय है। अभी हमारे लिए कुछ ज्ञेय है, कोई ज्ञान है, कोई ज्ञाता है, तीन भेद है ना। ज्ञाता जानने वाला है, ज्ञान उसके ज्ञेय के और ज्ञाता के बीच में पैदा हुआ संबंध है। और एक स्थिति ऐसी आती है, अब जानने वाला किसको जान रहा है वो, और जो जानने वाला है, जो ज्ञान है, कोई भेद ही नहीं रहा। तो जैसे अज्ञेय शब्द है, अगम्य शब्द है, ऐसे इन शब्दों को हम समझ ही नहीं सकते।
हम कोशिश कर रहे बुद्धि से समझने की, लेकिन ये बुद्धि का विषय नहीं है, तो इसको अनंत बोला। फिर भी हमारी अकल में कुछ बात पड़ जाए, इसलिए उन्होंने वृत्त का एग्जाम्पल दिया, सर्कल का एग्जाम्पल दिया कि सर्कल कैसे अनंत होता है। बस ऐसे ही समझ लो कुछ अनंत है। तो ये भी आत्मिक दृष्टि से पैदा हुई कोई स्थिति से, हम इसको बौद्धिक दृष्टि से जब समझने की कोशिश करेंगे तो नेचुरली हमारे समझ में नहीं आएगी। तो नहीं समझ में आए तो बिल्कुल भी दुखी उदास परेशान होने की जरूरत नहीं है। यही समझना कि अभी मेरी समझने के लिए मेरे पास जो पैमाना है, जो स्केल है, जो दृष्टि है, वो ही सीमित है अभी, है ना। तो कैसे समझेगी, अभी दृष्टि बदले तो मजा आए, कुछ सृष्टि के राज खुले, है ना। तो ये सूत्र कह रहे हैं, बड़ा मजेदार, हम शरीर विज्ञान की बातें कर रहे हैं और ये बात हमें और क्लियर होनी चाहिए कि शरीर भी हमारे से हुआ स्थिति है। अन्यथा परमाणु तो पूरे जगत में बिखरे हैं, पर परमाणुओं को चार्ज होना, इस तरीके की स्थिति में आना, हर व्यक्ति का अलग-अलग होना, ये सब उसके अपने ही कारणों से होता है। इसलिए आज हमने स्टार्टिंग में बोला था, कितने चेतन भावों ने इस सृष्टि को श्रृंगार दिया, कब कब किस किस की मेहनत ने सुविधा को साकार किया, धन्यवाद सारे सहयोगी, हर पल सुलझाहट पाए, इस शरीर का कण कण मेरा जग शांति में काम आए, जग शांति में काम। तो प्रदेश तो असंख्य गुणम प्राक तेज सात, तेजस से पहले के तीनों शरीर एक दूसरे से असंख्यात गुणा अधिक प्रदेशों वाले, यानी उनमें जो पौद्गलिक स्थितियां पैदा हुई है तो सब कुछ पुद्गल के ही बनावट है ना, लेकिन फिर भी उनमें जो परमाणुओं का संयोग हुआ है वो उसमें प्रदेशों की संख्या असंख्यात गुना अधिक है। असंख्यात गुणा का मतलब क्या हुआ, एक तो संख्या है, एक संख्यात गुणा हो गया, जैसे दो एक संख्या है, फिर दो का गुणाकार चार हो गया, चार का गुणाकार आठ हो गया, तो जो गुणाकार की स्थिति में जाता है उसको असंख्यात गुणा बोलते हैं, है ना। तो असंख्यात गुणा अधिक प्रदेश है, और नेक्स्ट बोला अनंत गुणा अधिक, अनंत गुणा। अब गुणा बोले तो हमको समझ में तो आएगा ही, लेकिन फिर भी हमको समझाने के लिए बोल दिया, अनंत गुणा अधिक तेजस और कार्बन में प्रदेश है होते हैं, यानी उनमें जो परमाणु जुड़े हुए हैं वो कितने अधिक मात्रा में है, कितने अधिक मात्रा में है, ये बात कही जाती है। और औदारिक में शिथिलता, संरचना में शिथिलता ज्यादा इसलिए स्थूल है, वैक्रिय में धीरे धीरे शिथिलता कम होती जा रही, घनत्व बढ़ता जा रहा है, आहारक में और घनत्व बढ़ता जा रहा है, तेजस में और डेंसिटी और कार्बन में और अधिक डेंसिटी होती गई। तो इस तरह से ये जो शरीरों की रचना हुई है उसमें हमने बात की, एक से दूसरा अधिक सूक्ष्म है, एक से दूसरे में असंख्यात गुणा अधिक प्रदेश है, और नेक्स्ट लास्ट दो में अनंत गुणा अधिक प्रदेश प्रयुक्त हुए हैं। तेजस और कार्बन के लिए बोला अनंत गुणे परे। आज हम इन तीन सूत्रों तक ही रखते हैं, इसके आगे करेंगे तो बहुत हैवी हो जाएगा। फिर अगले सूत्रों में भी अभी शरीर विज्ञान की बात चलने वाली है, इसी से कनेक्टेड सूत्र नेक्स्ट सेशन में अपन लेंगे, आज इतना ही। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम, आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके, दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम, दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम, रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, रुख पे खिलती रहे
यूं रूह की मुस्कान खुल के रुख पे खिलती रहे, यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो जय हो जय हो, सबका कल्याण हो। ओम शांति।